कहती है एक पत्नी अपने पति से, सैया हमको तो लाई देओ जेलो कार, सैया घर में तो लाई देओ जेलो कार, मेरो मन नाई, हाँ मेरो मन नाई घर में लागी रहो। अच्छा हमको तो लाई देव जेलो कार ढोला, घर में तो ले आओ जेलो कार, मेरो मन नाई, हाँ मेरो मन नाई घर में लागी रहो। आप सुन रहे हैं सावन का ढोला में गायक अन्नू किशोरी सिरसा गंज फिरोजाबाद से। सुन रहे हैं राघव माधव स्टूडियो एटा रोड बनवारा से। इसके प्रोपराइटर हैं प्रदीप यादव। तो कहती है वो घरवाली, सैया जेठा तो लाए जेलो कार ढोला, जेठा तो लाए जेलो कार, जिठनी तो हाँ जिठनी तो घूमन जाई रही। हमको तो लाई देव जेलो कार सैया, घर में तो ले आओ जेलो कार, मेरो मन नाई, हाँ मेरो मन नाई घर में लागी रहो। राजा ताई ने तो देती सखिया मोई ढोला, ताई ने तो देती सखिया मोई, क्यों कारण, हाँ क्यों कारण तुम ले आई रे। कहती है हमारे जेठ जलो गाड़ी लेकर के आए हैं जिसमें जेठानी घूमने के लिए जाती है और सखियां मुझे ताने दे रही हैं, इसलिए सैया अरे ढोला घर में तो ले आओ जेलो कार, सैया घर में तो ले आओ जेलो कार, मेरो मन नाई, हाँ मेरो मन नाई घर में लागी रहो। Thank you.
कहती है, अरे राजा तिबरा तोला ए जेलो का रडोला, तिबरा तोला ए जेलो का दुरनी तो हाँ दुरनी तो घूमन जाई रही। जब ये कहा है तो वो कहता है पति, अरे रनिया चल दी तो लइए जेलो कार धनिया, चल दी तो लइए जेलो कार, हम तुमको हाँ हम तुम से रहे है तो कहती है वो पत्नी कि तुम झूठी बातों में हमें बहला रहे हो। कहता है वो किसान कि मैं तेरी कसम खाता हूँ कि जल्दी ही जलोकार लेकर के आऊंगा। तो वो कहती है, नहीं राजा काहे कर रहे तुम पहला ढोला, काहे को कर रहे झूठी बात, काहे को हाँ काहे तुम रहे बेकाई। कहती है पत्नी, मैं एक भी बात नहीं मानूंगी, इसलिए सुनो मेरी बात। अरे सैया घर में तो लाई देव जेलो कार ढोला, घर में तो लाई देव जेलो कार, मैं घूमन हाँ मैं घूमन जाऊं वरी सैया मोकु तो लाई देव जेलो कार ढोला, घर में तो लाई देव जेलो कार, मैं घूमन हाँ मैं घूमन जाऊं हरिद्वार।